हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एडुफैक्ट लर्निंग। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, तो आज हम शुरुआत करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। और पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस। उस चैप्टर के अंदर आपने जाना कि सभी जीवों को ज़िंदगी जीने के लिए कुछ प्रोसेसेस पाई जाती हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस पाई जाती हैं, और वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। वो आपने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट इत्यादि। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट इत्यादि। ये कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो मोटे तौर पर वहाँ आपने एक अवधारणा बना ली थी अपने मन में कि जो भी जीवित है उसके अंदर मूवमेंट होगी, जो भी चीज़ जिसमें लाइफ है उसके अंदर मूवमेंट होगी। और आपने पिछले चैप्टर में यह भी जाना था कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो क्या प्लांट भी मूव करते हैं? क्योंकि अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी जीवित है उसके अंदर मूवमेंट होगी। प्लांट भी जीवित है तो क्या प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है? जी हाँ, प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है। प्लांट पहले सीड होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, उसके बाद वह एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो प्लांट है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट जैसे जीवों में मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है। प्लांट जैसे जीवों में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है? ग्रोथ की वजह से। लेकिन हम जैसे जीवों का क्या, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या? आप अपने माइंड में एक एग्जांपल सोचो, इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। दूसरी ओर एक और कल्पना करके देखो अपने माइंड में कि छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं, झूला झूलते हुए मूवमेंट कर रहे हैं और उससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या बिल्ली का चूहे की तरफ भागना, ये जो मूवमेंट, ये भी क्या ग्रोथ की वजह से हो रहा है? क्या बच्चे जब झूला झूल रहे हैं ये ग्रोथ की वजह से थोड़े ही झूल मूवमेंट हो रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोगों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इन्वायरमेंट में मौजूद स्टीमुलस को देखकर होती है। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, स्टीमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे बिल्ली वाला एग्जाम्पल अभी हमने आपको दिया, बिल्ली ने चूहे को देखा तो चूहा क्या है, स्टीमुलस है, और चूहे को देखते ही वो उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, ये उसका रिस्पॉन्स है। मतलब उसकी मूवमेंट कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टीमुलस रिस्पॉन्सिबल है। आ गई ना बात समझ में? और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं वो झूले वाला, झूला क्या है, स्टीमुलस है, बच्चे उससे आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए वो उस पर झूल रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट कराने के लिए कुछ कुछ स्टीमुलस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आपको मैं क्लियर करा दूँ स्टीमुलस होता क्या है। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टीमुलस होता क्या है। स्टीमुलस क्या होता है? स्टीमुलस मतलब हर वो चीज़ जो रिस्पॉन्स क्रिएट करे वो स्टीमुलस है। हर वो चीज़ जो रिस्पॉन्स क्रिएट करे वो स्टीमुलस है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग हाँ 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 मैं सिर हिला रहे हैं, यस सर कह रहे हैं, तो मेरी जो आवाज़ है वो क्या है, स्टीमुलस है। और आप उसको सुनकर ये कह रहे हैं यस सर, ये आपका रिस्पॉन्स है, तो मेरी आवाज़ भी आपके लिए स्टीमुलस हो सकता है। जैसे कि मान लो ठंड पड़ रही है,
तो ठंड पड़ना ठंड क्या है, स्टिमुलस है, और आप स्वेटर पहन लेते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, गर्मी पड़ रही है, ये क्या है, स्टिमुलस है, पसीने आ रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है। या आप हल्के कपड़े पहन रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है आपका। लाइट पड़ रही है आंखों पर, ये स्टिमुलस है, और आंखें आपकी बंद हो जाती हैं, वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। तो हमारे एनवायरनमेंट में मूवमेंट कराने के लिए बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि हमारे शरीर में ऐसा कोई सिस्टम है जो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है, उस सिस्टम का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो आज हम इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को जानेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखेंगे ताकि इसको और अच्छे से समझ सकें। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण होना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल। अब यहाँ पर देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डेली लाइफ में कैसे होता है। फर्स्ट पिक्चर को आप देखें, दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में जब आप देखेंगे, यहाँ पर एक लड़की सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीद रही है और उसको बॉर्नविटा लेना है अपने भाई के लिए, उसको एक बॉर्नविटा लेना है, उसका छोटा सा भाई है, उसके लिए उसको बॉर्नविटा खरीदना है। तो बॉर्नविटा कहाँ रखा है, बॉर्नविटा सामने वाली जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर रखा है। तो बॉर्नविटा को खरीदने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इस लड़की की जो आंखें हैं, इस गर्ल की आंखें हैं, सबसे पहले बॉर्नविटा आर्टिकल के ऊपर पड़ेंगी। फिर उसका जो ब्रेन है उसको एनालाइज करेगा कि ये पार्टिकुलर चीज़ बॉर्नविटा है, भाई बॉर्नविटा के साथ साथ और भी तो चीज़ें रखी होंगी यहाँ पर, लेकिन उसको खरीदना बॉर्नविटा है, तो इसका जो ब्रेन है ये एनालाइज करेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ बॉर्नविटा है, ठीक है। तो फिर उसका जो ब्रेन है इसके हैंड को, इसके हाथ को यहाँ पर क्या देगा, सिग्नल देगा, कमांड देगा कि पार्टिकुलर चीज़ बॉर्नविटा है, तुम्हें उसको उठाना है। फिर उसको ये उठा लेती है और पकड़ लेती है। तो ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है। तो देर इज़ ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन उसके इन्वायरमेंट के बीच में, उसके ब्रेन के बीच में, उसके हैंड के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, तभी तो उसने उस पार्टिकुलर चीज़ को उठा पाया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पर एक प्लेयर है, खिलाड़ी है, बॉल को पकड़ रहा है। तो बॉल को पकड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा भाई दिमाग और शरीर के बीच में तालमेल चाहिए, ब्रेन और बॉडी के बीच में तालमेल चाहिए। जब ब्रेन और बॉडी के बीच में तालमेल होगा तभी तो वो बॉल को पकड़ पाएगा, बॉल को कैच कर पाएगा। बॉल क्या है, स्टिमुलस है, बॉल क्या है, स्टिमुलस है। फिर ब्रेन और बॉडी के बीच में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बॉल को कैच कर लेता है। ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल है, आप यहाँ पर देख सकते हो एक शेर एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। किसी व्यक्ति ने एक शेर को देखा, शेर को देखते ही उसके पैरों में एकदम से एनर्जी आ गई और एकदम से उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है। जैसे ही शेर क्या है, स्टिमुलस है, और उसके ब्रेन ने उसको एकदम एनालाइज किया कि ये तो मेरे लिए खतरा है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, और एकदम से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे फोर्थ वन एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, एक लड़का किसी गर्म मोमबत्ती को छू लेता है, जलती हुई मोमबत्ती को, और तुरंत ही अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेता है। ये भी एग्जांपल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जो मूवमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे खुद के फायदे के लिए होती हैं, खुद को बचाने के लिए होती हैं, ताकि हमारा अस्तित्व बने रहे। जिंदा चीज़ें ही मूव करती हैं, जिंदा चीज़ों के अंदर ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो कॉन्शियस होते हैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। जिनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आ गई ना बात समझ में? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए रिसेप्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, रिसेप्टर्स वो चीज़ें हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वहाँ पर ये जो लड़की है सामान खरीद रही है, यहाँ पर ये गर्ल है ये सामान खरीद रही है, तो इसने चीज़ को देखा, पहले बॉर्नविटा को इसने देखा,
तो किसी मतलब किसकी मदद से देखा, ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कैसे गई, इस लड़की के ब्रेन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची, ठीक है। इसने बॉल को कैच किया कि बॉल कहाँ जा रही है, बॉल की डायरेक्शन क्या है और मुझे कितना स्विंग करना है और किस तरीके से बॉडी को मूव करना है ताकि मैं बॉल को कैच कर लूँ, ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कैसे गई, इसके माइंड के अंदर कैसे गई, ठीक है ना। और ये जो आदमी है इसने कैसे एनालाइज किया, ये पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शेर है और ये मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है और मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इस बंदे को कैसे पता चला कि मेरी जो हाथ है ये जल चुका है और मुझे इसको हाथ को हटा लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो जाती हैं रिसेप्टर्स के जरिए। रिसेप्टर्स का काम होता है इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करना। द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इज़ टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर्स दैट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। यहाँ पर एक टिपिकल सी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन इसको आसान भाषा में आपको समझाऊँ, रिसेप्टर कुछ भी नहीं है। रिसेप्टर क्या है, वो चीज़ जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाती है उसको रिसेप्टर कहा जाता है। और इन्फॉर्मेशन को आपके अंदर ले जाने के लिए सिर्फ पांच चीज़ें काम आती हैं, सिर्फ पांच चीज़ें। उनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उनको कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या है, रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, रिसेप्टर होते हैं फाइव टाइप्स के। आपने पहले ही पढ़ रखा है कि आँख कान नाक जीभ व त्वचा, ठीक है ना, आपके आईज ईयर टंग स्किन, ये सारी चीज़ें। और आईज ईयर्स टंग स्किन ये सारी चीज़ें क्या हैं, आईज ईयर टंग स्किन और नोज, आईज ईयर टंग स्किन और नोज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। इनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हैं आपके अंदर जाती हैं, ठीक है ना। आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर कैसे होते हो, इन्हीं पांच अंगों की मदद से, ठीक है। पहला है फोनोरिसेप्टर। फोनोरिसेप्टर क्या होता है, देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो फोन पे हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो फोनोरिसेप्टर क्या है, ईयर्स के अंदर होते हैं, हमारे कानों के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं, फोनोरिसेप्टर। कानों के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, फोनोरिसेप्टर। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, हियरिंग, सुनना। उसके बाद आता है आइज। आइज को हम फोटोरिसेप्टर कहते हैं। और फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट। द मीनिंग ऑफ द फोटो इज लाइट। और लाइट को देखने का काम किसका है, हमारे बॉडी के अंदर आँखों का काम है भाई, आइज का काम है। तो आइज का काम क्या है, चीज़ों को देखना, और देखने को कहते हैं विजुअल स्टिमुलस। आगे बात समझ में। और आँखों के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। फोटो का मतलब लाइट और लाइट को देखने का काम आइज को होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद स्किन, आपकी जो स्किन है उसका काम क्या है, टेम्परेचर को पहचानना। टेम्परेचर को पहचानना, टच को पहचानना, कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को पहचानना किसका काम है, उस चीज़ को पहचानने का काम है आपकी स्किन का। और स्किन को थर्मोरिसेप्टर भी कहते हैं। थर्मो जो वर्ड है यहाँ पर, थर्मो वर्ड को आप देखें, थर्मो जो वर्ड है इसका संबंध है किससे, टेम्परेचर से। कोई चीज़ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी है और टेम्परेचर कम है तो ठंड है। तो टेम्परेचर को पहचानने का काम किसका है, स्किन का है। और टेम्परेचर जो वर्ड है उसका संबंध है थर्मो से, तो इसलिए स्किन को थर्मोरिसेप्टर भी कहा जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, पेन को फील करना, टच को फील करना, हीट को फील करना या कोल्ड को फील करना। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं नोज़ की। नोज़ का काम क्या है, स्मेल को डिटेक्ट करना। नोज़ का काम है स्मेल को डिटेक्ट करना। और इसको ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर भी कहते हैं।
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। उसके बाद टंग, टंग का काम क्या है, टेस्ट को पहचानना, स्वाद को पहचानना, इसको गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या इन पांच चीज़ों के अलावा कोई ऐसा चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर कहीं और से आती हो? इन पांच चीज़ों के माध्यम से ही आएगी। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरी जो आवाज़ है वो क्या है, एक स्टिमुलस है, और मेरी स्टिमुलस को गेन कौन करेगा, आपके कान ही तो करेंगे, आपके ईयर्स। ईयर्स में कौन से रिसेप्टर हैं, फोनो रिसेप्टर्स हैं, वो मेरी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी ब्रेन तक लेके जाएंगे, आपकी ब्रेन के अंदर फिर वो नॉलेज बनेगी, ठीक है ना। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पर नोट्स को देख पा रहे हो, स्क्रीन के ऊपर ये क्या है, ये किसकी मदद से देखे जाएंगे, फोटो रिसेप्टर्स की मदद से, आपकी आँखें इनको देखेंगी, ठीक है। कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, क्या है, ये थर्मो रिसेप्टर्स का काम है, मतलब स्किन का काम है, ठीक है। किसी चीज़ की स्मेल करना, किसी को सूंघ कर पहचानना, ये किसका काम है, नोज़ का काम है, और नोज़ में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, और टंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। फोनो रिसेप्टर क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स के अंदर, और इसका फंक्शन है सुनना और बॉडी का बैलेंस बनाना। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है, आईज़ में प्रेजेंट होते हैं, काम क्या है, चीज़ों को देखना। थर्मो रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, काम क्या है, टेम्परेचर को पहचानना, हीट को पहचानना, कोल्ड को पहचानना, पेन को पहचानना, टच को पहचानना। इतना समझ में आ गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन क्या है, स्मेल को रिसीव करना। उसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, टेस्ट का डिटेक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, और उन एग्जांपल्स को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब बात यह आई कि ऐसा क्या सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस को बॉडी से ब्रेन के अंदर लेके जाता है, मतलब बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाते हैं इन्फॉर्मेशंस, और जो ब्रेन से फिर जो इन्फॉर्मेशंस है वो बॉडी तक आते हैं, जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मूवमेंट करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कितने सिस्टम होते हैं प्यारे बच्चों, दो सिस्टम होते हैं। पहला जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। पहला जो सिस्टम है उसको ध्यान रखना है, क्या नाम है उसका, नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा जो सिस्टम है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला नर्वस सिस्टम, पहला क्या है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम उन सारे सिस्टम्स की बात करेंगे जहाँ पे हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, और नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से हमारी जो नर्व्स हैं, हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स है और नर्व्स हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। अभी फ़िलहाल हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंगों या बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की मदद से क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठाते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठाते हैं। तालमेल बैठाने में यह हमारी सहायता करता है। इतनी बात आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है CNS, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS, CNS और PNS। CNS के अंदर कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS के अंदर आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। और इन दोनों सिस्टम्स की मदद से ही
इन्फॉर्मेशंस बॉडी पार्ट से ब्रेन में जाती है, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, और हम अपने वातावरण के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी तालमेल बिठाते हैं। जैसे मान लो हम किसी चीज़ को छूते हैं, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही हमारे अंदर कंडक्ट होती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो उसका यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो नर्वस सिस्टम का। देखिए ये है नर्वस सिस्टम, दो टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आप यहाँ पर ग्रीन पार्ट देख पा रहे हो यह है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर आता है ब्रेन, आपकी जो खोपड़ी है उसके अंदर ब्रेन होता है, तो इसके अंदर आता है ब्रेन, और पीछे की साइड होता है ये स्पाइनल कॉर्ड, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर आपके ब्रेन में से क्या निकलती हैं, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में से भी क्या है, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। देखो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से क्या है, साइड में नर्व्स निकल रही हैं बहुत सारी, और ये सारी जो नर्व्स हैं ये क्या बनाती हैं, ये नर्व्स बनाती हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दोबारा मैं आपको बता दूँ, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंगों हैं मतलब बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन देता है, बॉडी पार्ट से इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक आती है वो भी नर्वस सिस्टम की मदद से आती है। ठीक है, तो इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे आपका ये हो गया फॉर एग्जांपल ब्रेन, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन में से कुछ नर्व्स निकल रही हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व निकल रही हैं उसको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नर्वस सिस्टम, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की प्यारे बच्चों, देखो आठवीं और नौवीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है वो सेल्स की बनी है, क्योंकि सेल क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है बेटा लाइफ की। लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है, वो है सेल्स। हर चीज़ किसकी बनी है, सेल की, और हर एक काम कहाँ पर होता है, सेल के अंदर होता है। आपने पिछले चैप्टर में डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन वास्तव में कहाँ होता है, सेल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ कहाँ होती है, सेल के अंदर। आगे ना एक्सक्रीशन कहाँ होता है, सेल के अंदर, मतलब जितने भी फंक्शंस हैं वो भी सेल के अंदर हैं, और जितने भी चीज़ें हमारे शरीर में बनी हैं वो सेल से ही बनी हैं। तो नर्वस सिस्टम भी किसका बना होगा बेटा, सेल का बना होगा, और नर्वस सिस्टम जिन सेल से मिलकर बना है उन सेल का नाम है न्यूरॉन्स। उन सेल्स का नाम क्या है बेटा, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट भी कह देते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की जो सेल्स हैं उन सेल्स से मिलकर बना है क्या, नर्वस सिस्टम, मतलब जितनी हमारी नर्व्स हैं, मतलब जितना भी जाल बिछा हुआ है ना बॉडी के अंदर नर्व्स का, जैसा कि आप इस यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इसमें रेड कलर में जितनी भी आपको ये नर्व्स दिख रही हैं ना, ये किसकी बनी है, न्यूरॉन्स की बनी है। जो ब्रेन है ना आपका, ब्रेन के अंदर भी क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और जो आपकी नर्व्स हैं ये भी किसकी बनी है, न्यूरॉन्स की बनी है। तो न्यूरॉन क्या हो गया बेटा, न्यूरॉन हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई, नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। चलिए द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स किसका बना होता है बेटा, न्यूरॉन्स का मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो नर्वस सिस्टम है वो किसका बना है, सेल्स का बना है, और उन सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का काम क्या है, न्यूरॉन्स का काम होता है बाहर से सिग्नल्स को या स्टीमुलाई को डिटेक्ट करना, रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। ठीक है ना, न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम होता है बाहर से स्टीमुलाई को रिसीव करना। स्टीमुलाई क्या हो सकता है, कुछ भी, जैसे आप अपनी आँखों से जिस चीज़ को देखते हो वो स्टीमुलाई है, कानों से जिस चीज़ को सुनते हो वो स्टीमुलाई है। ठीक है,
हाथ से जिस चीज़ को टच करते हो, ठंडा या गर्म, वो भी क्या है, स्टीमुलाई है। तो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन उस स्टीमुलाई को रिसीव करता है और उस स्टीमुलाई को फिर ब्रेन तक पहुंचाता है। इतना मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, करोड़ों न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ी हुई है, जैसे तार जुड़े हुए होते हैं ना आपस में, ठीक है ना, जैसे आपस में तार जुड़े हुए होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक न्यूरॉन सिग्नल्स को लेगा, दूसरे न्यूरॉन्स को पहुंचा देगा, पास कर देगा, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को पहुंचा देगा, ठीक है, तीसरा न्यूरॉन चौथे न्यूरॉन को पहुंचा देगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम है न्यूरॉन का, ठीक है ना, न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। आप इस पिक्चर के अंदर इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, कितना गुच्छा सा बना हुआ है यहाँ पर न्यूरॉन इसका, नर्व्स का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। देखो पहला फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया था, इन्वायरमेंट से क्या इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करना। इन्वायरमेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस है, देखो अपनी आँखों से जो आप चीज़ देख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन ही तो है जो आपके ब्रेन में जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरी जो आवाज़ है आपके कानों में जा रही है, तो मेरी आवाज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही तो है। और आपके ईयर्स में मेरी आवाज़ को सुनने के लिए क्या लगे हैं, फोनोरिसेप्टर्स लगे हैं। याद कीजिएगा अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आपके कानों में फोनोरिसेप्टर्स लगे हैं और उन फोनोरिसेप्टर्स में न्यूरॉन्स हैं बेटा, और वो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, स्टीमुलाई को मतलब मेरी आवाज़ को डिटेक्ट करेंगे, उनको रिसीव करेंगे और ब्रेन तक पहुँचाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एनवायरनमेंट में से आपके ब्रेन के अंदर पहुंचाना। दूसरा काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को वेरियस बॉडी पार्ट्स में से रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन को वेरियस बॉडी पार्ट्स में से रिसीव करके उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ये भी काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। तीसरा फंक्शन क्या है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, मतलब मसल्स और ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करना, उनको कमांड देना, ठीक है ना, ये काम किसका है, ये भी नर्वस सिस्टम का है। जैसे मान लो आपको चलना हो तो आपका जो ब्रेन है वो आपकी पैरों की मसल्स हैं, आपके लेग्स की जो मसल्स हैं, इन उनको ऑर्डर पास करेगा जिसकी मदद से आप चलोगे। आपको कोई चीज़ उठानी है तो ब्रेन आपके हाथ की मसल्स को ऑर्डर पास करेगा, और वो है वह ऑर्डर आपकी ब्रेन से हाथ किसकी मदद से जाएगा, न्यूरॉन्स की मदद से जाएगा, ठीक है ना, किसकी मदद से जाएगा, न्यूरॉन्स की मदद से जाएगा, और फिर आप उस सामान को उठा लेते हो अपने हाथ से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इन तीन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेता है कि नर्वस सिस्टम रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। दूसरा काम क्या है नर्वस सिस्टम का, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, और तीसरा काम है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हमारे शरीर में हर चीज़ सेल की मिलकर बनी है, ऐसे नर्वस सिस्टम भी तो सेल का ही बना होगा, जाहिर सी बात है। अगर हर चीज़ हमारी बॉडी में सेल की बनी है तो नर्वस सिस्टम भी सेल का बना होगा, और नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कह दिया जाता है। और ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर है एक न्यूरॉन का, ये पिक्चर किसका है, न्यूरॉन का। तो चलिए अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, न्यूरॉन्स इसको न्यूरॉन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला जो पार्ट है ये है पार्ट वन, ठीक है, बीच में जो ये पार्ट है ये है पार्ट टू, और सबसे नीचे ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, पार्ट थ्री। तीन पार्ट्स में इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इतनी बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलिए वन बाय वन हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऊपर वाला पार्ट देख रहे होगे,
स्टार शेप का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपको स्टार शेप का दिखाई दे रहा होगा और इसमें से कुछ ब्रांचेस सी निकली हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी से बाहर क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, सेल बॉडी के बीच में जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद आपको सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी का दूसरा नाम भी है साइटोन, इसके अंदर आपको दानेदार कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इसको निसल्स ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स, जो दानेदार संरचनाएँ दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं ना हमें सेल बॉडी के अंदर, इनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो ब्रांचेस सी निकली हुई है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेस हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स का काम है इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करना, सिग्नल्स को रिसीव करना अपने इन्वायरमेंट में से। आ गई बात समझ में। उसके बाद हम चलो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एक्सोन को। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट प्यारे बच्चों इसको एक्सोन कहा जाता है, ये लॉन्ग पार्ट होता है, लंबा पार्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन के अंदर उसको हम एक्सोन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो बीच में आपको बिल्कुल सेंटर में पीला सा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देखो देखो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो पीली पीली रंग में है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोन। अब एक्सोन घिरा हुआ है किससे, एक आउटर कवरिंग है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, देख पा रहे होंगे आप इसको, जो बाहर जो कवर लगा हुआ है ना इसके, ये क्या है बेटा, ये है माइलिन शीथ, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं एक्सोन के ऊपर, जो माइलिन शीथ के ऊपर, इनको कहते हैं हम श्वान सेल, और उसको हम क्या कहते हैं, एक श्वान सेल कहते हैं, ठीक है ना। और बीच में जो आपको ये माइलिन शीथ और श्वान सेल, इनके बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीच में, इन गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर, इन गैप्स को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवायर। और उसके बाद जो लास्ट में जो ब्रांचेस यहाँ पर निकल रही हैं इसको कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल, या दूसरा नाम भी बेटा इसको दे देते हैं, और उसका नाम क्या है, नर्व एंडिंग, इसको दूसरा नाम हम क्या दे देते हैं, इसको दूसरा हम नाम दे देते हैं नर्व एंडिंग। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन एक, न्यूरॉन क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना और ब्रेन तक पहुँचाना, और ब्रेन से सिग्नल्स को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। देखो न्यूरॉन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, और किस क्या करती हैं, नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती हैं। नर्व इम्पल्स मतलब सिग्नल्स को, केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम है। और ये इसके पार्ट्स हैं, पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी, हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला पार्ट है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी कैसा दिखाई दे रहा था हमें, स्टार शेप का दिखाई दे रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है हमें स्टार शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्रांचेस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं मार्जिन पे से, मार्जिन से ब्रांचेस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हैं, ये सेल बॉडी का मार्जिन है। और भी इसके मार्जिन में से क्या है, ये कुछ ब्रांचेस सी या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करना, द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट्स इज टू रिसीव द नर्व इम्पल्सिस। जैसे देखो इतनी चीज़ आप समझ लो,
ये जो न्यूरॉन होता है ना, आपकी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो आपकी जो उंगली की जो स्किन है उसके ऊपर कौन सी सेल्स है बेटा, न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। तो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है ना, न्यूरॉन का जो ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये रिसीव करेगा किसको, सिग्नल को। जैसे कि कोई चीज़ हॉट है या कोई चीज़ कोल्ड है, इसका जो सिग्नल है उसको कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा, आप जैसे मान लो आप इस फ़ोन के ऊपर देख रहे हो, फ़ोन के अंदर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इस स्ट्रक्चर को रिसीव कौन कर रहा है, आपके आँखों के अंदर, आईज के अंदर क्या लगे हैं, फोटो रिसेप्टर्स लगे हैं, और फोटो रिसेप्टर्स में क्या है, न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स में कौन से स्ट्रक्चर होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। आँखों के अंदर जो डेंड्राइट्स हैं ना, वो इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं और ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को पहचान लेते हो, जैसे मान लो आप अपने घर में लोगों को पहचानते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये वही है। ठीक है ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स की मदद से पास होती है। इतनी बात समझ में आ गई, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं उसको, उस इन्फॉर्मेशन को कौन रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, उनको नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन क्या है, टेल ऑफ द न्यूरॉन, लॉन्ग पार्ट होता है न्यूरॉन का। ठीक है, जो न्यूरॉन का जो लॉन्ग पार्ट है ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन, लंबा पार्ट है, इसको टेल पार्ट भी कहा जाता है न्यूरॉन का। और इसकी एंडिंग में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, एक्सोन, और इसकी एंड में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, या इसको नर्व एंडिंग भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। और एक्सोन टर्मिनल्स में से नर्व इम्पल्सिस निकलते हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई है, माइलिन शीथ। देखो माइलिन शीथ को आप यहाँ पर समझो, एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग है, एक्सोन के ऊपर आपको एक कवरिंग दिखाई दे रही होगी। देखो जो बीच वाला जो आपका जो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बीच में बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो येलो पार्ट, ये है एक्सोन, और इसके बाहर जो आपको दिख रहा है एक कवरिंग सी दिख रही है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ का काम होता है इंसुलेशन का, इंसुलेटर का काम करता है। अब इंसुलेटर का काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम समझेंगे अभी। तो द माइलिन शीथ इंसुलेट द एक्सोन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ से हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टीमुलस। ये क्या है, स्टीमुलस, या इसको नर्व इम्पल्स कह सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट होगा, इसलिए इसको नर्व इम्पल्स भी कह देते हैं। अब ये जो हॉटनेस है, इसको रिसीव करेंगे कौन, डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करेंगे इसको, डेंड्राइट्स। अब ये सिग्नल डेंड्राइट से होते हुए पास होगा सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पास होगा, सेल बॉडी के अंदर। अब सेल बॉडी इस इंफॉर्मेशन को, ये कि ये चीज़ गर्म है, कि ये चीज़ हॉट है, इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इम्पल्स जनरेट करेगा वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पर जनरेट करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये संबंधित होता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई चीज़ हॉट है और उसको रिसीव किया डेंड्राइट ने, डेंड्राइट से गया वो सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी में जनरेट हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोन से होता हुआ कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग तक जाएगा। अब नर्व एंडिंग के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन। नर्व एंडिंग के बाद मतलब मैंने बताया था ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ पे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्या है, वन न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, और ये क्या है, तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन। इस तरीके से लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। मान लो हमारी उंगली की टिप पर, जिस उंगली से हमने गर्म चीज़ को छुआ, मान लो हॉट चीज़ को छुआ, तो वहाँ पर क्या था, हॉटनेस का जो सिग्नल है इसको रिसीव किया डेंड्राइट ने, सेल बॉडी के अंदर गया, सेल बॉडी से फिर ये कहाँ गया, एक्सोन के अंदर गया, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग पे गया, और नर्व एंडिंग के बाद ये कहाँ गया, नर्व एंडिंग के बाद ये जो सिग्नल था दूसरे न्यूरॉन के, डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया, फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना इसकी दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर, फिर से क्या हुआ, फिर दोबारा से एक्सोन के अंदर गया, फिर नर्व एंडिंग के अंदर पहुंचा, फिर नर्व एंडिंग के अंदर पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर ये तीसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है उसने उसको रिसीव कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है फिर इसके बाद इसी तरीके से चलती रहती है, और कब तक चलती है, जब तक ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो मतलब तारों का काम करता है ये, जोड़ने का काम करता है। तारों का काम कौन करता है, जैसे वायर्स होते हैं ना, वायर काम करते हैं करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास करने में, इसी तरीके से एक तरीके की वायरिंग हो रखी है हमारी बॉडी के अंदर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं ये इधर उधर ना चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहें, एक्सोन के अंदर रहें, जो बीच वाला पार्ट है यहीं तक रहें एक्सोन के अंदर। तो इसको कौन इंश्योर करता है, माइलिन शीथ, इंसुलेटर का काम करता है कि ये जो नर्व इम्पल्सिस हैं ये सराउंडिंग्स में ना चले जाएं, ठीक है ना। देखो ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस तरीके से ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरीके से यहाँ निकल जाए, ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, या इस तरीके से निकल जाए। इस चीज़ को रोकने का काम कौन कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है माइलिन शीथ, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, एक कवरिंग की तरह काम करता है। इतनी चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, कितने टाइप के न्यूरॉन्स हो। देखो बेटा तीन टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा है एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेंस ऑर्गन से संबंधित जो न्यूरॉन है, जो सेंस ऑर्गन्स के साथ लगे हुए होते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। और सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है, टच, साउंड, लाइट, हीट, टेस्ट, स्मेल, इनको डिटेक्ट करना, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, टच को डिटेक्ट करना, साउंड को डिटेक्ट करना, लाइट को, हीट को, पेन को, या फिर स्मेल को या टेस्ट को, इनको डिटेक्ट करके उसके बाद सिग्नल्स को वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये काम किसका है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन का, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं कहाँ से, सेंस ऑर्गन्स में से, ठीक है ना। तो सेंस ऑर्गन्स से रिसीव करते हैं, इसलिए मैंने नाम लिया यहाँ पर टच, साउंड, लाउड, लाइट, हीट, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को लेते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को लेते हैं, और ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये कौन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब जिन न्यूरॉन्स की मदद से हमारा जो ब्रेन है या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है हमारी मसल्स को मैसेज भेजता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चलना है, तो हमारा जो ब्रेन है
वो हमारे लेग स्कोप के अंदर जो मसल्स हैं उनको ऑर्डर देगा। अब तो ब्रेन और मसल के बीच में भी तो कोई कनेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ब्रेन और पैर की मसल के बीच में कोई कनेक्शन होगा, ठीक बात है ना। तो ब्रेन और मसल को बीच में जो कनेक्शन देने वाला है वो कौन है, मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। वो कौन है, मोटर न्यूरॉन्स। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं वो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से हमारी मसल्स तक जाते हैं और हमारी मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा ब्रेन लेग की मसल को सिग्नल देता है कि भाई रुक जाओ, तो पैर रुक जाएंगे। अगर आप पैरों को सिग्नल दोगे ब्रेन से कि चल लो, तो वो चल पड़ेंगे। अगर आप ब्रेन से अपने पैरों की मसल्स को सिग्नल दोगे कि दौड़ो, तो वो दौड़ पड़ेंगे। तो ब्रेन से आपके जो मसल्स हैं उस तक इन्फॉर्मेशंस पहुंचाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन्स का है, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स का है, ठीक है ना। और ब्रेन से मसल तक पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन्स का है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ उठानी हो, तो आपका जो ब्रेन है आपके हैंड की मसल्स को वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। और मसल्स तक वो जो इन्फॉर्मेशन से कैसे जाएगी, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन्स। इनका क्या काम है, ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स सिग्नल्स को पास करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। मतलब ये जोड़ने का काम करती है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो आपस में जुड़ता है। मतलब दीज न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल्स बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स। मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स को पहुँचाने का काम कौन करती हैं, रिले न्यूरॉन्स करती हैं। देखो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स पे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाएंगे। ये तो हो गया किसका काम, ये काम हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन्स का। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल्स से जुड़ी हुई हैं, मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल्स से जुड़ी हुई हैं। मतलब हर जगह प्रेजेंट नहीं है जो ये सेंसरी, जो मोटर न्यूरॉन्स है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है। इनका एसोसिएशन, इनका जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, मसल्स से है, मसल्स से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, उनका नाम है रिले न्यूरॉन्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनको एसोसिएशन मतलब जोड़ना। तो ये न्यूरॉन्स का काम क्या है, सिग्नल्स को रिले करती हैं किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन का, रिले न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। देखिए आप इसको, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो सेंसरी न्यूरॉन है किससे जुड़ी हुई है, रिसेप्टर सेल से। और रिसेप्टर सेल कौन सी है बेटा, फोनोरिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, थर्मोरिसेप्टर, मतलब आपकी जो आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इससे जो न्यूरॉन जो जुड़ी हुई है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना रिसेप्टर सेल, तो रिसेप्टर सेल मतलब सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई न्यूरॉन, इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद आता है रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन का काम क्या है, रिले न्यूरॉन का काम है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इंफॉर्मेशन को पास करना। वो किसका काम है, वो काम है किसका, रिले न्यूरॉन का। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन यहाँ है, फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन कहाँ है, यहाँ पर है, मोटर न्यूरॉन यहाँ पर है। अब इसके बीच में कनेक्शन बनाने का काम किसका है, रिले न्यूरॉन का है। रिले न्यूरॉन्स आपस में क्या है, इसके बीच में कनेक्शंस बनाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मोटर न्यूरॉन जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नीचे आप देखो, ये है मसल की सेल्स, मसल टिश्यू, ठीक है ना। मसल टिश्यू से जो जुड़ी हुई होती हैं
उनको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तीन टाइप्स की न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, मसल टिश्यूज से जुड़ी हुई न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंस ऑर्गन्स में से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ब्रेन तक पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके मसल्स तक पहुंचाना या ग्लैंड्स तक पहुंचाना। उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि ये ग्लैंड किस तरीके से वर्क करती है, और इनके बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम है वो किसका है, रिले न्यूरॉन्स का है। चलिए ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम आज में। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, उसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टीमुलस है, ठीक है ना, कोई क्या है, स्टीमुलस है। तो स्टीमुलस को रिसीव करने का काम कौन है, कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। स्टीमुलस को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं। आप किसी चीज़ को देखते हो, उसके सिग्नल को रिसीव करने का आंखों के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो करते हैं। आप किसी चीज़ को सुनते हो, सुनने में जो साउंड्स, क्या साउंड आ रही है उसको रिसीव करने का काम ईयर्स के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब वही एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि हीट, कोई गर्म चीज़ को हमने छुआ तो गर्म चीज़ को छूने का काम कौन करे, तो गर्म चीज़ को हमने छुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे पास होगी, ब्रेन तक कैसे जाएगी, ठीक है ना। आपको पता होगा जैसे ही हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर हटा लेते हैं, ठीक है ना, तुरंत अपना हाथ कहाँ का लेते हैं, पीछे की ओर हटा लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक कैसे जाती है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हीट क्या है, स्टीमुलस है। हीट को रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, और डेंड्राइट कहाँ है, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ अवर स्किन। मतलब उंगली से छुआ ना, तो उंगली की जो टिप है उसकी टिप पे क्या प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्यों कहा, स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन क्या क्यों कहा मैंने, क्योंकि स्किन क्या है, सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन के ऊपर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन ने इस हीट के सिग्नल को रिसीव किया, मतलब डेंड्राइट्स ने। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट ने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया, फिर ये जो सिग्नल है कहाँ चला गया, सेल बॉडी के अंदर चला गया, इस पार्ट के अंदर सेल बॉडी से। फिर ये जो सिग्नल था एक्सोन के अंदर गया, एक्सोन से पास हुआ, और एक्सोन से पास होने के बाद क्या हुआ, दूसरे इसमें चला गया। एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है, देखो जैसे ही हीट का यहाँ पर आया, देखो दोबारा समझो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हीट का स्टिमुलस किसने रिसीव किया, डेंड्राइट ने। किसके अंदर गया, सेल बॉडी के अंदर गया। सेल बॉडी के अंदर ये जो फिजिकल स्टिमुलस था किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। डेंड्राइट ने तो रिसीव करे केमिकल सिग्नल्स, डेंड्राइट ने रिसीव करे केमिकल सिग्नल्स, जैसे हीट को उसने एज ए केमिकल सिग्नल रिसीव किया। डेंड्राइट ने कैसे रिसीव किया, एज ए केमिकल सिग्नल, एज ए केमिकल सिग्नल, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये केमिकल सिग्नल डेंड्राइट पे पहुंचे, डेंड्राइट के बाद ये कहाँ चले गए, सेल बॉडी के अंदर, और सेल बॉडी के अंदर दीज केमिकल सिग्नल्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पे जो सिग्नल था हीट का, सेल बॉडी के अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट हो गया। अब यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोन के अंदर गया, ठीक है ना, एक्सोन के अंदर गया, नर्व एंडिंग पे पहुंचा। अब होगा क्या, नर्व एंडिंग पर आकर ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था दोबारा से
केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होने के बाद दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उस केमिकल इम्पल्स को रिसीव कर लेगा। उसके बाद दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में जाएगा केमिकल इम्पल्स, दोबारा से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोन में जाएगा, फिर ये नर्व एंडिंग पे आएगा। नर्व एंडिंग पे आने के बाद फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग पे आके केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल सिग्नल को फिर तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद फिर तीसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर जाएगा, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, फिर ये एक्सोन के अंदर जाएगा और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, मतलब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और उस गैप को कहते हैं बेटा हम साइनेप्स। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स के अंदर क्या होता है? साइनेप्स का काम है, ये जो साइनेप्स है ना, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। इसका फंक्शन आप यहाँ पर देखो, इस ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको यहाँ पर मैंने बढ़ा करके दिखा दिया है, ठीक है ना। ये जो वाला हिस्सा है, ये क्या है? नर्व एंडिंग। और ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये क्या है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझो। होता क्या है, देखो यहाँ से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब यहाँ पर आए तो होगा क्या, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आप देख रहे होंगे केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए, और केमिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद इसको रिसीव कर लिया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो डेंड्राइट है ये सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल सिग्नल्स को ही रिसीव कर सकता है। डेंड्राइट किसको रिसीव कर सकता है? सिर्फ केमिकल सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, यहाँ पे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो ये केमिकल सिग्नल्स के रूप में डेंड्राइट ने इस गर्मी को, इस हीट को उसने रिसीव किया, उसने फिर सेल बॉडी में उसको लेकर गया। सेल बॉडी में ले जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन गया, फिर उसके बाद वो एक्सोन में गया, नर्व एंडिंग पर चला गया। अब जो दूसरा वाला डेंड्राइट है भाई, ये भी तो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेगा। अगर इसने केमिकल सिग्नल रिसीव करे हैं तो ये भी तो केमिकल सिग्नल रिसीव करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल है ये किस फॉर्म में आ गए? सेल बॉडी, इस ये सेल बॉडी में आने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट हो गए। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ये जनरेट हो गए तो क्या होगा? अब ये जो साइनेप्स वाले रीजन है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो केमिकल यहाँ पे बनेगा उस केमिकल को हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर, NEUROTRANSMITTER, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई वो सेम की सेम यहाँ पर लिखी हुई है। जो नर्व इम्पल्स है इस ऑर्डर में चलती है, पहले डेंड्राइट के पास रिसीव होता है, ठीक है। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी में, सेल बॉडी में आने के बाद क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में गए? एक्सोन में। एक्सोन से पास होने के बाद कहाँ गए? नर्व एंडिंग पे गए, ठीक है ना, टिप ऑफ द एक्सोन पे गए। उसके बाद क्या हुआ? साइनेप्स रीजन पे गए। साइनेप्स क्या है? गैप। क्या है? गैप बिटवीन वन न्यूरॉन एंड टू न्यूरॉन। और साइनेप्स रीजन में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स थे दोबारा से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए, और जो केमिकल जो बना इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये दोबारा से फिर कहाँ, किसने रिसीव कर लिए? डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सोन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। इतनी चीज़ आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है।
चलिए तो आज की क्लास आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, तो आगे आने वाले जो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन किसकी, साइनेप्स की और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। हालांकि साइनेप्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो ख़त्म करके जो आपका पहला काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।